समुदाय के नाम पर देश में किसी भी मुसलमान को पीट पीट करके मार डाला गया और इस काम को अंजाम देने वाले गौ रक्षक थे। और गाय के नाम पर किसी भी दलित को पकड़ा गया, उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए, तब देश के प्रधान सेवक मंच पर आकर के कहते हुए दिखाई दिए कि जो कुछ कहना है मुझे कहो, मेरे दलित भाइयों को कुछ मत कहना। और गाय के नाम पर आदिवासियों को भी नहीं बख्शा गया और हर काम को अंजाम दिया गया गौर रक्षक। और गौर रक्षक कल भी उज्जैन के महाकाल मंदिर में नजर आए थे, जो कि ये बताते हुए गुरेज नहीं कर रहे थे कि रणवीर सिंह ने 11 साल पहले बयान दिया था, आज इसलिए हम उसका विरोध करने के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर आए हैं। जब गाय के नाम पर देश में बवाल मचा हुआ हो तो जाहिर सी बात है ये तस्वीर लोगों की जहन में ताजा होंगी कि गाय को लेकर के लोग सक्रिय हैं, कोई ठोस कदम उठा रहे हैं जिससे गायों को बचाया जा सके। यहां भी सिर्फ राजनीति करने के लिए गाय का इस्तेमाल किया गया और लाखों की संख्या में गाय भूख से मर रही हैं, उनको बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जो कि तस्वीर देश से सामने आ रही है। तो वही तस्वीर देश से यह भी सामने आ रही है कि हजारों लाखों की संख्या में गाय जो है वो बांग्लादेश पहुंचाई जा रही है। 30,000 की गाय को 1.5 लाख में बेचा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और हर कोई अब यही सवाल कर रहा है कि कहां हैं वो लोग जो गाय के नाम पर वोट मांग रहे थे, कहां है वो गौ रक्षक जो किसी भी मुसलमान को पीट पीट करके मार डाल रहे थे पर आज गायों को बचाने में भी पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। सबसे पहले 5 सेकंड का ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों आपने देखा, ये वीडियो देख करके हर कोई कांप जाए कि किस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है गाय के ऊपर, जहां गाय के चारों पैर बांध करके उनसे नदी पार करवा करके बांग्लादेश भेजा जाता है, केले के पत्ते में लपेट करके उनको बांग्लादेश भेजा जा रहा है, जो कि तस्वीरें आपने वीडियो में देखी। इसी को लेकर के बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार सरकार और प्रशासन किस तरीके से आंखें मूंदे बैठी है जो इतने बड़े कांड को अंजाम दिया जा रहा है। पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। केले के पेड़ का मोटा हिस्सा, उसके बीच गाय का सिर, पैर रस्सी कसकर बंधे हुए, ऊपर से सिर्फ गाय का सिर नजर आता है, बाकी हिस्सा पानी में। इसी तरह तैरते तैरते कुछ ही मिनटों में गाय नदी पार कर जाती हैं। यहां पहले मौजूद लोग उन्हें निकालते हैं, रस्सी खोलते हैं और बांग्लादेश ले जाते हैं। गाय बछड़ों को इसी तरह पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश भेजा जा रहा है। हर चीज के लिए कोड नेम तय है। तस्कर गाय के बछड़े को पेप्सी बुलाते हैं। तस्करी का मास्टरमाइंड अनुप्रंत मंडल को बताया गया कि बीरभूमि के अनुप्रत टीएमसी के नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खास है। सीबीआई ने 11 अगस्त को अनुप्रंत मंडल को अरेस्ट किया था। तस्करी का कारोबार समझने के लिए हम भारत बांग्लादेश बॉर्डर पहुंचे। यहां पता चला कि भारत में 30,000 में खरीदी गई गाय बांग्लादेश में 1.5 लाख तक में बिकती है। खोजबीन कोलकाता से शुरू हुई। सोर्स ने बताया कि मुर्शिदाबाद जिले में बॉर्डर के पास बसा गांव है जालंगी। इसकी बांग्लादेश से दूरी 5 किलोमीटर से भी कम है। यहां से कई साल से कैटल मार्च, इसीलिए हमने पड़ताल के लिए जालंगी को चुना। इसके लिए कोलकाता से नेशनल हाईवे 34 पकड़ा गया। ये डालखोला से कृष्णा नगर तक जाता है। रास्ते में 24 परगना जिलों के ब्लॉक में सड़क किनारे एक टेम्पो दिखा, इसमें गाय बछड़े भरे थे। टेम्पो के पास दो पुलिस वाले भी थे। हमने गाड़ी रोकी तो पुलिस वाले ने कहा यहां से गाड़ी आगे लीजिए, ये मेन रोड है। हम फोटो वीडियो लेने लगे तो पुलिस वालों ने फोन अंदर रखने का इशारा किया
और तुरंत आगे जाने के लिए कहा गया। हम थोड़ा आगे बढ़े और गाड़ी रोक दी। ये देख पुलिस वाले वहां भी आ गए, बोले गाड़ी यहां से ले जाइए, क्यों रोके हैं। हम आगे बढ़े और पास में एक चाय की दुकान पर रुके। चाय वाले ने बताया कि ये गाड़ियां गाय बछड़े लेकर जाती हैं, पुलिस वाले इनसे रिश्वत लेते हैं और आगे जाने देते हैं। जो रिश्वत नहीं देता उसी की जांच होती है। थोड़ी देर बाद वही टेम्पू हमारे सामने से निकला, हमने कार उसके पीछे लगा दी। वे नदिया जिले के बिरोही गांव में रुका। यहां गाय बैलों की हाट लगती है। हाट का मैनेजर सड़क किनारे टेबल कुर्सी लगाकर बैठता है, वहीं सबका हिसाब करता है। यहां गाय खरीदने बेचने वालों के अलावा सौदा करवाने वाले एजेंट भी हैं। मैनेजर ने फोटो वीडियो लेते हुए देख लिया, बोला कौन हो तुम, फोटो वीडियो के लिए तुरंत डिलीट करो। उसे दिखाने के लिए हमने एक दो फोटो डिलीट किए और आगे बढ़ गए। बिरोही से करीब 2 घंटे के सफर के बाद हम जालंगी पहुंचे। अब जो कहानी सामने आई उससे हर कोई हैरान था। भारत बांग्लादेश बॉर्डर, जहां से तस्करी होती है। दूसरा है बीएसएफ का इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसने हमें पूरी डिटेल दी लेकिन कहा कि मेरा नाम नहीं लिखना। तीसरा एक मुखबिर है जो गांव में ही रहता है और सीआईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों से कमीशन लेकर उन्हें जानकारी देता है। उसने चेहरा छिपाकर वीडियो में बात जरूर की पर नाम और पहचान लिखने से मना किया है। ये भी कहा कि हो सके तो मेरी आवाज थोड़ी बदल देना। जालंगी गांव पद्म नदी के किनारे बसा है। पद्म बांग्लादेश की बड़ी नदियों में से एक है। बांग्लादेश के कुश्तिया, पबना और राजशाही जिले इससे लगते हैं। भारत में ये मुर्शिदाबाद में बहती है। कई साल से इस नदी में कैटल स्मगलिंग हो रही है। नदी कहीं सरकारी तो कहीं चौड़ी है, तो वहीं बहुत तेज कहीं कम है। बारिश के बाद कुछ जगहों पर यह सूख भी जाती है। नदी क्रॉस कर कुछ कदम चलने पर बांग्लादेश लग जाता है। हम नदी के किनारे पहुंचे तो देखा कि बॉर्डर का ज्यादातर हिस्सा ओपन है, कुछ ही हिस्से पर फेंसिंग लगी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ यहां तैनात है, पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर 2 ही जवान होते हैं। इन्हें आधा से 1 किलोमीटर तक एरिया संभालने के लिए दिया जाता है, जिसके लिए लोगों के पास तस्वीरें आई हैं। गायों को नदी पार कराने के लिए तस्कर केले के तने का इस्तेमाल करते हैं। गाय को तने में बांधकर पानी में फेंक दिया जाता है। नदी के उस पार पहले से मौजूद लोग इन्हें निकाल कर बांग्लादेश ले जाते हैं। बीएसएफ के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने हमें इसका वीडियो दिखाया। वीडियो में 2 बछड़े केले के तने से बंधे दिखे। इनके पैर बंधे थे, तने को बीच से फाड़कर बछड़ों का मुंह उनमें फंसाया और नदी में फेंक दिया। जवानों की नजर उन पर पड़ गई तो वे उन्हें किनारे ले आए। रस्सी खोलकर उन्हें कैंप में रखा गया। इसे खबर के वीडियो में देख लिया है। अफसर ने बताया कि जानवरों की तस्करी रात में होती है, वक्त और जगह बदलती रहती है। कई बार दिन में भी तस्करी की कोशिश होती है। जब नदी में तेज बहाव होता है तब तस्कर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उस वक्त निगरानी मुश्किल हो जाती है। जवान भी बॉर्डर पर नहीं रह पाते। हम मौके पर थे तब गांव के कई लोग नदी क्रॉस कर उस पार जाते दिखे। उनसे बात की तो बोले खेती करने जाते हैं, यहाँ केला और जूट लगाया जाता है। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के मुताबिक तस्कर ही गांव वालों से जूट और केले की खेती करवाते हैं, क्योंकि इनमें आसानी से छिपा जा सकता है। बदले में वे गांव वालों को पैसा देते हैं। बीएसएफ के एक सीनियर अफसर ने बताया कि पहले एक साथ बड़ी संख्या में गाय आती थी। रात में तो हमारे जवान उन्हें रोक ही नहीं पाते थे, क्योंकि तस्करों की संख्या ज्यादा होती थी और जवानों की कम। एक साथ 1.5 से 2 हजार गाय और उनके साथ 300-400 तस्कर गायों को भगाते भगाते नदी में कुदा देते थे और आसानी से तैरते हुए उस पार निकल जाते थे। उनके पास बम और पिस्टल होती है, वे भीड़ में होते हैं और हमला भी कर देते हैं।
2018 से गायों की तस्करी कम है, लेकिन बछड़ों की डिमांड बढ़ गई है। इन्हें केले के तने में बांधकर नदी पार कराई जा रही है ताकि वे पानी में ना बहें। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो कुछ पत्रकार जांच पड़ताल के लिए पहुंचे तो चौंकाने वाले कई खुलासे हुए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो सरकार गाय के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रही है, वो अब तक इन तस्करों के ऊपर नकेल क्यों नहीं कर पाई? और देश में ही तस्कर बोल करके कितने हजार मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया क्या? और अब जब असली तस्करों की तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं, तो मीडिया पूरी तरीके से खामोश है और खामोशी सरकार में भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।